नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के सेकेंड फेज में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था इसका पार्ट वन, जिसमें हमने देखा था पहले पार्ट में 21 तारीख तक के सभी क्वेश्चन को देख लिया था। 21 जनवरी 2021 तक के सेकेंड फेज के सभी क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम देखेंगे 22 जनवरी 2021 से लेके 22 जनवरी 2021 से लेके 30 जनवरी 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो सेकंड फेज आज ख़त्म हो जाएगा और जो पहला फेज मैंने करवाया था फेज टू का और फेज वन का, इन दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस मनाई जाती है 22 अप्रैल को, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जो योजना है इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। इस मिशन का इंद्रधनुष से एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसका जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिले में शुरू हुआ था, ठीक है। तो टीकाकरण से संबंधित है। आगे, हु डिस्कवर HTML? HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टीम बर्नर ली ने 1993 में। UNO की आधिकारिक भाषा क्या है? तो UNO की 6 भाषा होती है राजभाषा, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूस और स्पेनिश, परंतु इनमें केवल 2 भाषा क्या होता है संचालन में माना जाता है, मतलब जो संचालन संचालित भाषा होती है केवल 2 होती है, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। आगे अगर हम देखें तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा केसर मिलते हैं? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे ज़्यादा केसर मिलते हैं। विच गैस एट रूम टेम्परेचर इन वेपर, मतलब कौन सा गैस वेपर में रहता है सामान्य रूम के तापमान पर? तो क्लोरीन होता है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये पूछा गया, किसने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। और जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना शायद लेकर आए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। पीवी सिंधु को किस पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में पीवी सिंधु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सा मिशन के तहत है? ब्रिटेन, यहाँ लिखना है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 से कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने के लिए घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्सस और एवी अलेक्जेंडर थे। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है ये पूछा गया आपसे। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए किस आर्टिकल का वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 29 का वर्णन किया गया है संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AG मार्क? तो एजी मार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ध्यान दीजिएगा, एजी मार्क पूछा गया है, तो एजी मार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फरीदाबाद में। वेयर इज ह्यूमन फ्लाइट सेंटर? बेंगलोर कर्नाटका में ह्यूमन फ्लाइट सेंटर। निम्नीकरण क्या होता है? ये अपशिष्ट बैक्टीरिया और केचुओं जैसे सूक्ष्म जीवों को कार्रवाई से जहरीले गैर जहरीले पदार्थों में टूट सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ समय के साथ है अपने रूप और संरचना बदलते रहते हैं, हानि रहित हो जाते हैं। मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है, यहाँ जो प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े में अगर आप ब्रेक कर देंगे तो वो बहुत कम समय में नष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ को यहाँ बताया गया है, यही ऑप्शन में अगर आपको मिलता है तो लगा दीजिएगा। किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और आदि ग्रंथ का संबंध किसके साथ किस ग्रंथ के साथ है? तो सिख समुदाय के साथ है आदि ग्रंथ।
अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? तो केविन केविन अल्फ्रेड स्टॉर्म। सिक्किम राज्य की स्थापना विधानसभा के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी 1975 में। ठीक है, आगे देखिए। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध के उपरांत हो गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध के उपरांत हो गया था लाला लाजपत राय की मृत्यु। विश्व की पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी? तो 6डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए। काला आजार किस कारण होता है? तो काला आजार संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लेस्मिनिया और डोनोवानी के कारण होता है। काला आजार पर परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलती है। सिप्रा नदी के किनारे प्रसिद्ध मेला लगता है, वह किस राज्य में है? तो सिप्रा नदी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। ठीक है, ए आर रहमान को ऑस्कर दो बार किस वर्ष दिया गया? तो 2008 और 2009 में ए आर रहमान को ऑस्कर दिया गया। पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो पेटा इंडिया की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चांदी का कालापन किसके कारण होता है? तो चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक एवं व उष्मा चालक धातु है। इनमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की होती है। भारत में कौन से राष्ट्रपति दूसरे चरण के मतदान के बाद बने थे? तो ये पूछा गया है। आगे देखिएगा, वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आगे देखिएगा, किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के 2 लाख दुर्घटना बीमा दी जाती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मई 1911 में मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो चैत्र माह से शुरू होता है। बाडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। एमएस डॉस क्या है? तो एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा 2 है। उसके बाद अल हिलाल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। पंजाब के किस शहर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर को जाना जाता है रामदासपुर के नाम से। विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित है। आगे देखिएगा, सबसे कम घनत्व वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो समताप मंडल है। विच वन इज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट? तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कौन सा है, मतलब बहुत कम वर्ड में आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं ट्विटर पे। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोलते हैं इसे। कौन सा गैस से कमरे के तापमान पर तीखी गंध देता है? तो अमोनिया कमरे के तापमान पर तीखी गंध देता है। स्काउट को 2020 में ट्विटर के द्वारा अधिग्रहण किया गया था, ये भी पूछा गया। स्काउट को कब अधिग्रहण किया गया था, किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा। गोल्फ के खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से। दूध सागर जल प्रताप किस जगह स्थित है, किस राज्य में? तो कर्नाटक और गोवा के सीमा पे स्थित है दूध सागर जल प्रताप है। 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 1.6×10⁻¹⁹ के इक्वल होता है। ठीक है, ये 10⁻¹⁹ है, इसको मैं पावर में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पावर में लिख देता हूँ। तो ये हुआ, गलती हो गया मेरे से, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, दूध सागर मैंने बता दिया आप लोगों को, चलिए इसे मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना का पुराना नाम क्या था? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद देखिएगा, ये जो क्वेश्चन सेट आप देख रहे हैं जीए कुछ जो क्वेश्चन आया पहले और दूसरे शिफ्ट का 23 जनवरी 2021 का। आगे देखिएगा, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसरो फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई है। अम्बेडकर है, क्वीन हु फाउट अगेंस्ट अकबर? तो सॉरी, अहमदनगर जो रानी थी, अहमदनगर की रानी थी, वो अकबर के साथ जो फाउट की थी, मतलब युद्ध लड़ी थी, उनका नाम क्या था? तो चांद बीबी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, 1 nibble = कितना होता है? तो 4 bid के इक्वल होता है। कांग्रेस फर्स्ट रूलर सेशन प्लेस है फैजपुर इन 19, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि जो
कांग्रेस का जो पहला सेशन था गांव में वो कहाँ पे था? तो फैजपुर इन 19, देखिएगा कुछ होगा फैजपुर। आगे देखिएगा कुछ ईयर मैं शायद लिख रहा हूँगा, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने ईयर। आगे देखिएगा, तात्या टोपे इज रिलेटेड टू, मतलब 1857 से की क्रांति से इनका संबंध था। रॉक सॉल्ट केमिकल नेम क्या होता है? तो NaCl होता है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम होता है। ब्लैक पगोडा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। द ओल्ड मैन ऑफ SBI, इंपीरियर बैंक ऑफ, द ओल्ड नेम ऑफ SBI तो इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। हु स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में। अहमदाबाद की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था? ये पहले हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा चांद बीबी, मुझे जहाँ तक लगता है चांद बीबी होगा, दुर्गावती नहीं होगा, चांद बीबी होना चाहिए। आगे देखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो डोडा डोडा बेटा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। केरल में कौन सा खेल प्रसिद्ध है? तो तैराकी नाव प्रतियोगिता। फर चित्रकला राजस्थान के किस प्रकार से फर चित्रकला राजस्थान में किस प्रकार के चित्र कला है ये पूछा गया होगा। तो धार्मिक चित्रकला है, फर चित्रकला राजस्थान का संबंध है इससे। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण जब एक सीधी रेखा में होती है तो क्या उत्पन्न होती है? ज्वार उत्पन्न होती है, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिएगा, साल और सौगान का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो ये भी पूछा गया था आपसे, साल और सौगान। आगे देखिए, संविधान में कितने आर्टिकल है? तो 395 आर्टिकल है। फुल फॉर्म ऑफ CPUPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। विलुप्त जीव को क्या कहा जाता है? तो विलुप्त जीव को क्या कहा जाता है? विलुप्ति मतलब विलुप्ति कहा जाता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक्सटिंक्शन। आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज C6H12O6 नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं, और क्लोरो फ्लोरो एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। आगे पूछा गया CSIR का, तो यह हमने पहले ही देख लिया था, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आगे देखिएगा, अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा कहाँ फहराया था? तो चांदनी चौक के का टाउन हॉल। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक गवाह है। यहाँ 9 साल बाद अरुणा आसिफ अली के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तिरंगा फहराया था। नई दिल्ली में चांदनी चौक के टाउन हॉल वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक गवाह है। आगे देखिए, वॉट इज द ओर ऑफ द रॉक सॉल्ट? रॉक सॉल्ट का जो ओर होता है वो क्या होता है? तो रॉक सॉल्ट इज क्लोराइड ओर होता है, क्लोराइड ओर ऑफ सोडियम होता है, ठीक है ना, क्लोराइड ओर ऑफ सोडियम होता है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इन द ओर इज सोडियम क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर शायद हो गया सोडियम क्लोराइड विथ केमिकल फॉर्मूला NaCl, तो यही आपको ऑप्शन में दिया होगा NaCl। PC महाल 9-20 का पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। गुजरात में तेल का कौन सा कुआ है? तो कोयाली कुआ है, ठीक है ना, गुजरात में तेल का कोयाली कुआ है। 2019 में पेट्रोलियम के उत्पाद में कौन सा देश है दूसरा स्थान पर रहा है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। अजंता की गुफा में कौन सी प्राचीन चित्रकारी की गई है? तो अजंता की गुफाओं में दो भागों में बांटा जा सकता है, एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान, दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक को देखने को मिलती है। और यह अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों ही विधि के चित्रकला बनाए जाते हैं, ठीक है, तो यही देख लीजिएगा, फ्रेस्को और टेम्परा, यही शायद आपको ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। प्राचीन चित्रकारी का नाम पूछा गया था। व्हाट इज द सागर 2020? तो सागर 2020 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडियन इसरो ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया था? तो हैदराबाद का चार मीनार किसने बनवाया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो कि अटल नगर के नाम से जाना जाता है। वेयर इज द इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल? तो यहाँ पे हो जाएगा लंगू लंगूस लंगूल सभी लेकाई ऑफ चंपू खैंग को विलेज इन मणिपुर। आपको मणिपुर आंसर याद रखना होगा। यहाँ पे क्या बनाया गया है? फर्स्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल बनाया गया, मतलब तैरता हुआ स्कूल होगा शायद, ये पानी के अंदर होगा। घूमर नृत्य का संबंध किसके साथ है? तो सभी को पता है राजस्थान के साथ है। मैडम मॉडम मॉडम के मॉडम को किस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है? तो ये भी पूछा गया है, तो कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। आगे देखिएगा, विच डिवाइस से एसी टू डीसी डीसी रेक्टिफायर होता है? तो रेक्टिफायर हो गया है, जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। खसरा रोग किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को लेकर कौन लेकर गया था? राजकुमार शुक्ल गया था। सेतु भारत योजना 4 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग वाई 2019 में मुक्त बनाने के लिए पहल की गई थी। परियोजना के लिए आवंटित बजट रुपये था 102 बिलियन, जो लगभग 208 रेल ओवर और तथा अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी रेलवे क्रॉसिंग है ना, उसको हटाया जाएगा सेतु भारत योजना के तहत, जिससे आवाजाही जो हो वो आसान हो सके। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद किस नदी पर सबसे पहला बांध बनाया गया था? तो दामोदर नदी पे आज़ादी के बाद पहला बांध बनाया गया था। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये ऑप्शन के अनुसार आप बताएंगे। वाहन की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, मतलब वाहन नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया पहिए की गति को मापने के लिए ओडोमीटर। पहिए ने कितना, मतलब कितना दूर चला, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? तो चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले शिफ्ट में भी पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो यूपी। पद्मावत पुस्तक किसे कौन लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जैसी लिखा है पद्मावत पुस्तक। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो ये यहाँ देखिएगा, लोगों का नया सामाजिक आर्थिक जननी लोगों का नया साल 2011 सामाजिक आर्थिक है। ठीक है, जनगणना जनगणना में है इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, बिजली कनेक्शन, मुफ्त बिजली कनेक्शन से इसका संबंध है। देश के जिन जिलों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां इस योजना के तहत सरकार हर घर को सोलर पैक देगी, जिसमें 5 LED बल्ब और एक पंखा होगा। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति बाद में बाद 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। आज इसको हम बोलेंगे कहाँ? तो यंगून बोलेंगे। बर्मा देश का नाम सुना होगा, जिसको अभी हम क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनी है? तो नर्मदा नदी पे बनी है। नेपाल की किस लड़की ने लगभग 1 घंटे 1 से 26 घंटे नृत्य कर विश्व कीर्तिमान बनाया? तो 18 वर्षीय वंदना ने, नेपाल की लड़की है जो 26 घंटे तक लगातार नृत्य की है ये लड़की। आगे देखिए, भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य कितनी बार है? तो 8 बार हो जाएगा। बलवन दिल्ली सल्तनत में ने कब से कब तक शासन किया था? तो गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन देख लीजिएगा, और 1249 से लेके 1287 दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक था। और इसने जो शासन किया है बलवन, 1266 से लेके 1286 तक शासन किया है। ठीक है, तो ये गुलाम वंश का शासक था, जो कि 1266 से लेके 1286 तक, मतलब 20 साल तक शासन किया गया। और पूछा जाएगा कि किस वंश ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था? तो गुलाम वंश 84, 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। बांग्लादेश के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम ईश्वर स्वामी को, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश का नया राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? तो स्किन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखिएगा, ये है 25 तारीख को, क्योंकि शायद 24 तारीख को एग्जाम नहीं हुआ था, तो 25 तारीख का क्वेश्चन देखिएगा।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। और उसके बाद पूछा गया खिलाफत मूवमेंट रिलेटेड 1919 में हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खिलाफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिबंधों को हटाना। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा, शौकत अली और दो अली बंधु थे, शौकत अली आखिर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखिए। भारत रत्न 2019 में किसको मिला है? तो प्रणब मुखर्जी को, दादा नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को मिला है। वुलर लेक सिचुएटेड कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। मेजरिंग मीटर फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? तो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर किससे? तो डेसिबल से। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन? तो चंद्रगुप्त वन का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त था। उसके बाद चंद्रगुप्त वन का, ठीक है, केवल चंद्रगुप्त का पूछता तो किसका कौन होता? तो बिंदुसार होता, बिंदुसार। उसके बाद अशोक, ठीक है, जो कलिंगा का युद्ध भी किया था, उसके बाद उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अनुसार लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के अनुसार लगाया जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। खुल्लर लेक कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है खुल्लर लेक। हु हैज प्लांटेड ए बॉम्ब इन दिल्ली असेंबली? तो दिल्ली के संसद में किसने बॉम्ब को स्थापित किया था? तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त। आगे देखिए, सांची स्तूप कहाँ बिल्ड किया गया? तो किसने बिल्ड किया? तो अशोक ने बिल्ड किया है। व्हाट इज द आर्टिकल 72? आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रांट है, मतलब ये क्षमादान वाला है, ठीक है ना, क्षमादान के लिए है। ये राष्ट्रपति का जो पावर होता है क्षमादान देने के लिए। मान बुकर प्राइज से एक क्वेश्चन पूछा गया, हु कनेक्ट बॉन टू बॉन? तो लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, लिगामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन हैज साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन कब अपना हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था नमक आंदोलन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर हो जाएंगे। उसके बाद IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डोमेन नेम होता है। फुल फॉर्म ऑफ NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंडियन देखिएगा, अंडर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन विश्वव्यापी अभियान, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी, बाल बचपन बचाओ आंदोलन। आगे देखिएगा, अशोक ने सांची स्तूप में भौजी स्मारक कहाँ बनवाया? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, मतलब सांची स्तूप का स्मारक कहाँ बनाया ये पूछा गया होगा। ध्वनि एक कमरे से दूसरे कमरे में क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि ध्वनि या इको के कारण। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। भूकंप को मापने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो रिक्टर पैमाना कहते हैं भूकंप को मापने वाले डिवाइस को। 1929 में असेंबली में बम फेंका था किसने? तो भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो HL दातू हो जाएंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष हो जाएंगे। काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर का फुल फॉर्म पूछा गया, तो 5 मतलब काली 5000 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर GRDO और बार्क द्वारा बनाया गया है, जो काली है, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। बुकर प्राइज 2019 किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो द टेस्टामेंट के लिए दिया गया। महोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? तो रैम हो जाएगा। नामचा बरवा का क्या है? तो दक्षिण पूर्व तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957-1958 में हुई थी। हाउ मेनी मेंबर ऑफ IMF के 190 सदस्य है। भारत में पहली बीमा कंपनी कौन है? तो ओरिएंटल बैंक है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। UNO का अस्थायी सदस्य कौन है? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, 5 अस्थायी सदस्य याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, और ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। नई दिल्ली, अमेरिका, रूस इंपॉर्टेंट हो गया, फ्रांस शांति प्रिय देश हो गया, ब्रिटेन
बहुत देशों को गुलाम किया था चीन, अभी मतलब अमेरिका के बाद है वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका नंबर आता है। तो ये पांचों देश आपको याद हो जाएंगे। आगे देखिए, नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो देश के अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनका सशक्तिकरण के लिए। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। बैंक रेट क्या होता है? तो RBI जिस रेट पे बैंकों को ब्याज मतलब पैसा देता है जिस दर पर, उसे ही क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। आर्टिकल 368 का संबंध किसके साथ है? तो भारत की शक्ति और उसमें संशोधन की प्रक्रिया के कारण संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के तहत होता है। माइक्रोचिपें किस ऐसे चीज़ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कितने होते हैं? तो 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर होते हैं। इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। खेल प्रशिक्षक कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य, मतलब जो खेल में कोचिंग करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अनुसार लगता है? तो 360 के अनुसार लगता है वित्तीय आपात। अगर 356 बोला जाएगा तो इमरजेंसी लग जाएगा, और 352 बोला जाएगा तो कौन सा लगेगा, मतलब 352 में भी कुछ लगता है, आपात ही होता है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, 352 भी इमरजेंसी होता है। आगे देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। हु रॉट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी इस किताब को लिखे हैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा, भारत में स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नमक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। न्यायपालिका की विशेषता क्या होती है? तो भारत की न्यायपालिका व्यवस्था और कार्यपालिका के प्रभाव में पूर्ण स्वतंत्र, और यह जरूर है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक बार निर्वाचित होने के बाद न्यायाधीश बिना महाभियोग लगाए अपने पद से नहीं हटाए जा सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की विशेषता मैंने बता दिया, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, धान की कटाई के बाद कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद कितने फसल पर MSP लगाया जाता है? तो कितने फसल पे MSP दिया जाता है? तो 23 फसलों पे MSP दिया जाता है। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मेंडलीफ ने बनाई थी। कौन सा वन वन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आता है? तो कांजीरंगा हो जाएगा। हु डिस्कवर वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स है? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, 1976 में बनाया था स्मॉल पॉक्स का। शालीमार गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा, फारसी व मुगल शैली में बना एक बेहतरीन पहाड़ी बगीचा है। ठीक है, क्या है शालीमार गार्डन क्या है? तो ये पूछा था, फारसी और मुगल शैली में बना एक बेहतरीन पहाड़ी बगीचा है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हो गया, ये मैंने बता दिया। कैलोरो झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हवाई जहाज द्वारा उड़ाया जाने वाला दुनिया का अधिकारी के मेल मेल 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पूछा गया है, देखिएगा, प्लूटो 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 ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था? तो क्लाइड टॉम्बा के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद यहाँ देखिएगा, मोस्टू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन पाया जाता है। हवा की गति किस में मापी जाती है? तो पवन वेग मापी या एनीमोमीटर में मापी जाती है। नीला विट्रॉल किसका रासायनिक नाम होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। अभी वाइट पूछा है, मतलब 30 तारीख वाले शिफ्ट में, और नीला, तो जिस जिस कलर के भी होते हैं उनको आप देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, स्विट्जरलैंड किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है? तो द ELPS के पहाड़ी के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर हो जाएगा। कब भारतीय सरकार ने नैनो साइंस तकनीक की शुरुआत की थी? तो 2007 में। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? अंटार्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिक क्षेत्र ग्रीन होते जा रहा है। तो यही पूछा गया था, ग्रीन क्यों हो रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आगे, शांति टिंगा प्रदेश प्रादेशिक सेना की 1969 रेलवे इंजन रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला। अच्छा, ये नाम देखिएगा, यही महिला का नाम पूछा गया था। शांति टिंगा प्रादेशिक सेना में 1969 होगा या 900,
1969 होना चाहिए, 1969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ 1969 होगा, 1969। आगे देखिए, अब देखिएगा 27 जनवरी 2021 का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इन 2019 से नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितने हैं, तो 303 सीट हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ ILO तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। फुल फॉर्म ऑफ ELU तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन विच ईयर, 15 जून 2001 को बीजिंग चाइना में फॉर्म हुआ था। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN एंटोनियो गुटेरेस हो जाएगा। हाउ मेनी वेटलैंड आर देयर इन इंडिया, 42 हो जाएगा। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 हेल्ड एट दिल्ली हो जाएगा। और GST से एक क्वेश्चन पूछा गया, इनडायरेक्ट टैक्स होता है GST। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट हो जाएगा। तो ये पूछा गया आपसे कि मौलिक अधिकार कौन से नहीं है, फंडामेंटल राइट कौन से नहीं है। क्राई प्लान इज ए रिलेटेड टू वॉट, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के अधिकार से रिलेटेड है क्राई जो योजना है। रूबी स्टोन केमिकल फार्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। दी फॉर्मेशन डेट ऑफ ऑफ द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। व्हाट इज द स्पैम, अनवांटेड मैसेज हो जाएगा, स्पैम का मतलब है। जॉग वाटर इज सिचुएटेड इन कर्नाटका हो जाएगा, हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो बेंगलुरु हो जाएगा। पेटा फॉर्मेशन डेट 22 मार्च 1980 हो जाएगा, पेटा फॉर्मेशन डेट हो जाएगा। कामाख्या और लिंगराज टेम्पल इन विच स्टेट है, तो असम हो जाएगा। CIIL फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज होता है। भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पूछा गया था किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे आगे पूछा गया कि बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो नहीं किस भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CU का कंट्रोल यूनिट होता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। अगर CPU का पूछा, मुझे लगता है CU का पूछा गया था। विच लिक्विड इज ए लिक्विड इन ज्वाइंट ऑफ लेग्स है, तो साइनोवाइल फ्लूइड्स है, ये भी पूछा गया था। आगे देखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी, तो मुंबई से शुरू हुई थी। पटना कलम कहाँ से संबंधित है, तो पटना कलम शैली या पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग उन स्कूलों में से एक उन स्कूलों में था जो बिहार में 8वीं से 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में मुगल चित्रकला का एक आदर्श था। पटना कलम शैली की उत्पत्ति ब्रिटिश से शैली के सहयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। संघ और राज्यों के बीच संघ की अनुसूची में शामिल 8 है। मणिका रत्न इज ऑल्सो कॉल्ड रूबी स्टोन कहलाता है। उसके बाद विच कंट्री प्रेसिडेंट फर्स्ट अंडर वाटर समिट, मालदीव हो जाएगा। मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिर स्विम टू फर्स्ट अंडर वाटर, ठीक है, मतलब कहाँ पे हुआ था पहला अंडर वाटर समिट, पानी के अंदर जो सम्मेलन होता है वो कहाँ हुआ था, तो मालदीव के राष्ट्रपति ने मोहम्मद नासिद ने करवाया था शायद। आगे देखिएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने पहला अंडर वाटर सबमिट किया था, तो ये कंफर्म है, मैं शायद मैं आदत हो जाता है तो कभी कभी मैं बोल देता हूँ, पर ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं खुद भी डाउट में है, ऐसा नहीं है, मैंने सर्च किया हुआ है, गूगल में देखा है, तब इसको ये सब आंसर आपके सामने मैं लाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने अपना पहला अंडर वाटर सबमिट किया था, तो मालदीव के राष्ट्रपति, ये मैंने बता दिया आपको, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसके समय लागू हुआ था, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू किया गया था, 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था, ये पूछा गया था। इस अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। 1929 में असेंबली में बम फेंका गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। आगे, 8 अप्रैल 1929 को डेट याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा शिशु मृत्यु दर कितना प्रतिशत है, तो 39% है। उसके बाद अत्योदय योजना के तहत चावल कितने रुपए में है, तो 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। इनमें से किस प्लैनेट पर स्थल नहीं है, तो 4 ऐसे प्लैनेट है जहाँ स्थल है, शुरुआत के 4, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, इन चारों के पास भूमि है और बाकी जितने भी प्लैनेट है सब गैस का गोला है। उसके बाद देखिएगा,
वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये पूछा गया आपको, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा आप। आंखों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आंखों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, शंकु शंकु कोशिका पाई जाती है, स्तनधारी प्राणियों की आंखों में के सेल दृष्टि पटल में उपस्थित एक प्रकार की प्रकाश ग्राही कोशिका होती है, आंखों में एक अन्य प्रकार की प्रकाश ग्राही कोशिका भी होती है जिसका शल्का कोशिका रॉड कहलाता है, कोशिका से रॉड को सेल कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे ईजी ने ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट टू किसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ देखिएगा, पोरबंदर टू सिलचर को कनेक्ट करता है, ईस्ट टू वेस्ट नेशनल एक्सप्रेस हाईवे। केंद्र व राज्य की शक्ति के विवरण के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है, तो सरकारी आयोग बनाया गया, याद रखिएगा, सरकारी आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला मिशन शक्ति क्या है, तो महिला मिशन शक्ति हो जाएगा मिशन शक्ति अभियान। महिला और बालिकाओं को जागरूक बताया गया है, किसी भी महिला या बालिका के साथ कोई छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न होता है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके सहायता हासिल की जाती है, तो महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, उनके उनको सशक्तिकरण के लिए। आगे देखिएगा, पुलितजर प्राइज ऑर्गेनाइज बाई विच यूनिवर्सिटी, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 1917 में 50 ओवर के क्रिकेट मैच कब से शुरू हुआ था, तो 1987 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो विशाखा दत्त ने लिखी थी। आगे, फुल फॉर्म ऑफ सार्क के साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हो जाएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी हो जाएगा, अजय त्यागी हो जाएगा। 2020 आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो रबाडा है, कासिगो रबाडा नाम है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके बाद देखिएगा, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी में है। आगे देखिएगा, लंदन किस शहर के नदी के किनारे है, लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। अल हिलाल पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, तो नर्मदा बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। इंग्लैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन है, टेरेसा हो जाएगी, टेरेसा में। उसके बाद भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो श्री सुकुमार सेन है। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड नहीं है, तो टैली हो जाएगा, टैली एंड्रॉयड नहीं है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राणा टिंगरा हो जाएगा, मेढक का वैज्ञानिक नाम। एक्जिमिन बैंक का गठन 1982 में हुआ था। इसरो के द्वारा 2020 में कौन सा सैटेल लॉन्च किया गया था, तो PSLV C50 CMS-01। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइड्रोमीटर। ये भी पूछा गया आपसे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ लीड, तो PB हो जाएगा, मतलब PB से डिनोट किया जाता है। भारत के, यहाँ देखिएगा, भारत के पूर्व में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कोलकाता पारादीप, विशाखापट्टनम हल्दिया, चेन्नई एन्नौर, तुतीकुरुन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट में स्थित है, इनमें से कोई होगा। जबकि कोची, मैंगलुरु, मोरगू, मुगाओ, मुंबई, हनवासोवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला पश्चिम के तट पर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी हो जाएगा। 2006 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। इनमें से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये भी पूछा गया था। फाउंडर ऑफ ATM मशीन, तो जॉन अल्ड्रीन सेफ्रॉन बैरोन, ठीक है। आगे देखिएगा, जीए देखिएगा, 28 जनवरी 2021 का क्वेश्चन देखिएगा। पाकिस्तान PM इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी का नाम पूछा गया, तो पाकिस्तान तारीख ए इंसाफ इससे इनके पार्टी का नाम है। फाउंडेशन प्लेस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ढाका बांग्लादेश हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट NaCl हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ जूल, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ करंट एम्पियर हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन होस्टेड बाय महात्मा गांधी बेल्जियम कर्नाटका 1924 हो जाएगा, जो अधिवेशन कांग्रेस का महात्मा गांधी होस्ट किए थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल अक्टूबर 2020, तो M. वेंकैया नायडू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल रॉबर्टो देख लीजिएगा, नाम अजीब सा नाम है। आगे देखिएगा, CSIR डायरेक्टर जनरल कौन है, तो शेखर सी पांडे होगा शायद, मुझे लगता है। आगे देखिएगा, वन ऑनर राइनोसॉरस आर फाउंड इन कांजीरंगा नेशनल पार्क, मतलब एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो ये पूछा गया है, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क है।
ओल्डेस्ट पीएम इन इंडिया तो मरोड़जी देसाई है, 81 या 82 साल की एज में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड है तो विनोद कुमार यादव हो जाएगा। द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन मरकरी हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने सबसे ज़्यादा बार जीता है तो ब्राज़ील हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज किस रोड पर स्थित है, लाल स्ट्रीट पर स्थित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। कुलभूषण यादव का किस किस वकील के हाथ में था तो हरीश सालवे के हाथ में था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी है। जूल किस का मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। अरावली पर्वतमाला से एक क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है तो पनामा नहर जोड़ती है। 2019 में पद्म भूषण किस वैज्ञानिक को दिया गया था तो वैज्ञानिक नंबी नारायण को दिया गया था। आगे देखिएगा, इनमें से किससे मान बुकर पुरस्कार नहीं मिला है तो ये ऑप्शन के अनुसार बताएंगे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे तो बाबर हो जाएगा। बिल्ली बिल्ली किस परिवार से संबंधित है तो फैली से सिल्वेस्टर लाइबिया लाइबिका से। यूएस और रशिया के बीच कौन सी जल संधि होती है तो फ्लोरिडा होती है। उसके बाद यहाँ पे किस जगह से इसरो मिसाइल या सैटेलाइट लॉन्च नहीं करते हैं ये भी पूछा गया। इनमें से कौन सा गूगल वेबसाइट नहीं है तो ये गूगल का वेबसाइट नहीं है, जैसे उसमें अलग अलग वेबसाइट दिया गया होगा उसका ऑप्शन के अनुसार आप बनाएंगे। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है तो आंध्र प्रदेश से है। आगे देखिए, 1931 में कराची भारतीय नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से है तो आर्टिकल 51 का से। राजा राम मोहन रॉय किसके बारे में है तो राजा राम मोहन रॉय 22 मई 1972 से लेके 1833 हो जाएगा को भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके पिता का नाम रामाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय समाज सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार आधार पर किया जाता है तो कैबिनेट मिशन की सृष्टियों के आधार पर। इनमें से कौन सा संचार उपग्रह नहीं है तो ये भी पूछा गया था, सैटेलाइट नहीं है ये पूछा गया था। सुंदरबन डेल्टा के बारे में, सुंदरबन या सुंदर वन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यह नरभक्षी बाघ है, बंगाल टाइगर के नाम से भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम पूछा गया तो डीएनएस हो जाएगा। घरेलू भाषा की प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका कौन सी है तो द बंगाल गैजेट हो जाएगा। पेस मेकिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है ये पूछा गया। मिसाइल भारत में मिसाइल और सेटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया जाता है तो व्हीलर आइलैंड से लॉन्च किया जाता है मिसाइल और सेटेलाइट। हुर और ड्रीम ऑफ दी ड्रीम फॉर माय फादर बराक ओबामा ने लॉन्च किया था। सबसे भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से है तो तृतीय क्षेत्र से, व्यापार कम्युनिकेशन उसके कम्युनिकेशन वित्तीय पर्यटन जो तृतीय क्षेत्र है उससे सबसे ज़्यादा पैसा है तो यही आपसे तृतीय क्षेत्र जो होगा ना यही आंसर होगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है तो मांडू मंदिर समूह। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है तो ये भी पूछा गया। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी मतलब तटीय सीमा सबसे लंबी है तो गुजरात हो जाएगा। दो बार पूछा गया है मतलब रिपीट क्वेश्चन है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड साफ्टा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कौन सा देश शामिल नहीं है तो अफगानिस्तान बांग्लादेश शामिल है तो अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ये सब शामिल है। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो नहीं शामिल होगा। आगे देखिए, किस राज्य ने यहूदी को धार्मिक मान्यता नहीं दिया है तो किस राज्य ने यहूदियों को धार्मिक मान्यता नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आगे देखिएगा, डांडी मार्च के चौथे कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई थी मतलब चौथे दिन शायद ये पूछा गया है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत है तो विटामिन के की। उसके बाद देखिएगा, इनमें से कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है तो इनमें से कौन सा देश परमाणु संपन्न नहीं है ये पूछा गया तो जापान हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स द यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। आगे देखिए, फीफा रैंकिंग में यूरोपीय देश बेल्जियम शीर्ष पर काबिज है मतलब कौन सा देश है शीर्ष स्थान पे तो बेल्जियम हो जाएगा और भारत का रैंक है 101। आगे देखिएगा, ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 किस देश ने जीता है तो भीम यूपीआई ने जीता है। कौन से एयरपोर्ट ने हाल ही में अवार्ड जीता तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती।
आगे देखिएगा 29 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी रेतु भरोसा योजना का शुभारंभ किया। तो यही पूछा था, रेतु भरोसा योजना को किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने। पूना पैक्ट किसके लिए हुआ था? तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। पुणे की 1932 में किया गया था। अंग्रेजों ने इस समझौते के संप्रदाय के में संशोधन मतलब संप्रदाय के अधिनिर्णय के लिए किया गया था पूना पैक्ट। आगे देखिएगा, आर्टिकल 35 से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 14 मई 1954 को जोड़ा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो इसरो माधवन नारायण, ठीक है, इस मुख्य चेयरमैन कौन हो जाएंगे? माधवन नारायण। रबिया दुरानी किसका नाम है? तो रबिया दुरानी दिलरास बानो बेगम, मुगल बादशाह अकबर की औरंगजेब की बेगम थी। दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की बेगम थी। आगे देखिएगा, औरंगजेब की। आगे देखिएगा, ज्ञानपीठ विजेता को किसकी मूर्ति दी जाती है? तो देवी सरस्वती की मूर्ति दी जाती है, वाग्य देवी की मूर्ति दी जाती है, कांस्य की, ठीक है ना, वाग्य देवी। आगे देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास है। धर्मसभा के संस्थापक कौन है? तो राधाकांत देव हो जाएगा। बारी द्वारा किन नदियों के बीच स्थित है? तो बारी द्वारा किन नदियों के बीच स्थित है? तो रावी और व्यास नदी के बीच में है, बारी द्वाब कुछ होगा, देखिएगा, द्वाब है, ठीक है ना, बारी द्वाब है। बारी द्वाब कहाँ पे है? व्यास और रावी नदी के बीच स्थित है। मोची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है मोची नदी। आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है? तो बैलेंसी समान रहता है। आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो बैलेंसी समान रहता है। अम्ल वर्षा कौन कौन सी गैस पाई जाती है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाता है बन जाता है, ठीक है ना। अम्ल वर्षा का कारण मैंने बता दिया कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक तेजाब बनाता है। आगे देखिए, रिंग वॉर्म बीमारी किसके कारण होता है? तो दाद फंगल के संक्रमण के कारण होता है। विच इज द फर्स्ट समिट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन? अर्थ समिट 1992। आगे देखिएगा, माइक स्पीकर हेडफोन एम्पलीफायर में से कौन अलग है? तो आप लोग देखिएगा, माइक इनपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया, हेडफोन भी आउटपुट होगा, माइक मुझे लगता है कि इनपुट होगा केवल। आगे देखिएगा, एम्पलीफायर किस वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं पृथ्वी को पीछे छोड़ दूंगा? तो इसका आंसर मैं बता दूंगा बाद में। संयुक्त राष्ट्र संघ को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2000 मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे तो 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बट ऑप्शन में यही था 2001। मनी बिल का वर्णन किस आर्टिकल में? तो 110 से आर्टिकल 110 में है। सतीश धवन से इसरो का पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च हुआ था? तो रिसेट 1 लॉन्च हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के साथ भारत में आया था? तो रूस के साथ आया था, मतलब रूस ने सहयोग किया है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय देखिएगा, कौशल ग्रामीण योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी हो जाएगी। उसके बाद मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट हो जाएगा। भारत रत्न किसे मिला था? तो प्रणब मुखर्जी दादाजी ने देशमुख व भूपेन हजारिका को। सत्यजीत रॉय किसके द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया था? तो जल सागर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डर्फिन थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। भिखाजी कामा रुस्तम मैडम कामा के द्वारा तिरंगा सबसे पहले फहराया गया था। 1946 की फारसी महिला भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में यह झंडा फहराया था। आगे देखिएगा, गोल क्रीमी क्या होती है? तो क्रीमी लंबे आवरण बिना हड्डी वाले छोटे से जीव होते हैं।
इनके बच्चे अंडे या क्रीमी कोष से डिंभक लार्वल सोता हुआ नया क्रीमी के रूप में बढ़ते हुए त्वचा मांसपेशी फेफड़ा और आंते के ऊतक टिश्यू में क्रीमी के रूप में बढ़ते जाते हैं, जिसे संक्रमित करते हैं, वे संक्रमित करते हैं जिससे वे संक्रमित करते हैं। आगे देखिएगा, रंगास्वामी कप किस खेल से जरूर रिलेटेड है, तो हॉकी से 1908 किया था शायद। आगे देखिएगा, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 14 से 18 में समानता का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा पहले आईपीएस आईएएस ऑफिसर कौन है, तो सत्येंद्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हो जाएंगे। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1924 को हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो मलयालम लेखक है जी शंकर कुरुप को 1976 में दिया गया। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो अलाउद्दीन बहमन शाह 1947 में। आगे, क्योटो प्रोटोकॉल किसके किसके लिए बनाया गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किए करती है। तिब्बत का पठार किस तरह का पठार है, तो पर्वतीय पठार है। 1857 की क्रांति की शुरुआतें किसने की थी, तो मेरठ के सैनिकों द्वारा। राजा राजा राजे चोले द्वारा कौन सी मंदिर बनाई गई थी, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर बनाई गई थी। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, तो बीक्यू बैक्यूरल देख लीजिएगा ये। आगे देखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ईवीएम फर्स्ट यूज इन केरला में यूज किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुई थी। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन हो जाएगा। आईआईटी गांधीनगर इन्वेंटेड विच थीनेस्ट मटेरियल, बोरोन हो जाएगा। उसके बाद मोपला क्रांति कब शुरू की गई थी, तो 1921 में शुरू की गई थी। बहुत बार रिपीट किया गया, भारत की पहली महिला वकील कौन थी, तो कॉर्नेलिया सोराबाजी बजी। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 वॉज अनाउंस बाई विच पार्टी, तो मुस्लिम लीग। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3, तो नियासीन हो जाएगा। संयुक्त राज्य ने मुद्रा मैनिपुलेटर में किस देश को शामिल किया है, तो वियतनाम और स्विट्जरलैंड को शामिल किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। हथियारों के लिए भारत का पहला पानी क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो मथुरा में खोला गया है। हाथियों के लिए हाल ही में भारत में हाथियों के लिए मथुरा में वन्य जीव मतलब पानी क्लिनिक खोला गया है, जो हाथियों की बीमारियों के लिए उसके उपचार के लिए खोला गया है। आगे देखिएगा, हेलमेट हॉटमेल की शुरुआत 1996 में हुई थी, ये भी पूछा गया था। दक्षिण बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। गिव मी ए वन प्लेस स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ, आर्किमेडीज ने बोला था ये चीज़। पोर्ट लुई किस राज्य पर पारंपरिक ब्राइडल वियर है, तो मणिपुर का हो जाएगा। मतलब यह पूछा गया है, दुल्हन और दूल्हे का जो 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 जोड़ा होता है वो पोर्ट लुई होता है, वो किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। किस देश के राष्ट्रपति ने 2019 से में नजरबंद किया गया था, तो ये भी पूछा गया है। एंटी एंटी मॉब लिचिंग बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मणिपुर हो जाएगा। कागज का रंग भूरा हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फॉक्सिंग कहते हैं। आगे देखिए, सीमा सड़क संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विच मनी इज कॉल्ड डियर मनी, तो टाइट मनी बोला जाता है। 5 स्टार विलेज है किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के द्वारा। जीए देखिएगा, 30 जनवरी 2021 का जीए देखिएगा, और यहाँ पे सेकेंड जो पेज होता है वो खत्म हो जाएगा। देखिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि माउंट आबू में स्थित है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से। अफ्रीका की किलीमंजारो के पर्वत कहाँ पे है, तो पर्वत हो जाएगा अफ्रीका का पर्वत। किलीमंजारो अफ्रीका का जो पर्वत क्या है, तो पर्वत है, ये पूछा गया था। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टिला जॉर्जविया है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक के किस आर्टिकल में है, तो 108 आर्टिकल में है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितने बैंकों का विलय हुआ है, तो 5 बैंकों का विलय हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
और एक छठा बैंक था इसका मतलब खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला दे तो 6 हो जाएगा, बट इसके सहयोगी बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया, जो कि 5 से आगे देखिए। कौन सा लेंस है बीच में पतला और किनारे पे मोटा होता है, औतल लेंस हो जाएगा। गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में आए थे। रणजी ट्रॉफी 2019 किसने जीता था, तो विदर्भ ने जीता था। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाइट विट्रॉल, तो जिंक सल्फेट होता है। आगे देखिए, विच बैंक का नहीं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में, ये भी पूछा गया आपसे। आगे देखिएगा, वाशिंगटन DC हो गया। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से लगती है, तो भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। 4000 किलोमीटर तक की सीमा है बांग्लादेश के साथ है, जो कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, 5 राज्यों के साथ लगती है। त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, और तीन तरफ से, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा यहाँ पे, ग्रीन महानदी मिशन योजना कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी पूछा गया था। और IC क्या होता है, एक चिप होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो बना होता है, तो ये आपसे पूछा गया था। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये सब आगे देखिएगा। 1998 में आपको आंसर शायद चिप देना होगा, IC का वहाँ दिया होगा ऑप्शन में, चिप होगा आंसर, ठीक है। 1998 में पोखरण में कितने परीक्षण हुए थे, परमाणु परीक्षण है, तो 5 परमाणु परीक्षण हुए थे। और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है, तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बंगाल के नुआखली जिले में थे महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग कब बनी थी, तो 1906 में बनी थी। विश्व बैंक का अध्यक्ष है डेविड मालपास, विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। वर्ल्ड बैंक की ब्रांच कौन सी है, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज एन ने फुल फॉर्म इज एन आई ब्रांच जो है ना, आई द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है IBRD, तो ये आपसे पूछा गया था, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है वाशिंगटन DC में है, ठीक है। आगे देखिएगा, कोरल रीफ किस महासागर में पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कोरल रीफ जयपुर का हवा महल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1799 में बना था, और किसने बनाया था, राजसी महल है ये, ठीक है। और कहाँ पे है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, तो ये पूछा गया था। इसे किसी राजमुकुट की तरह वस्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था, तो याद रखिएगा लाल चंद उस्ताद होगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप लोगों को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो मुख्य न्यायाधीश भारत के, वही दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 से महिला ओपन का खिताब किसने जीता है, तो सोफिया केनेन ने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 से महिला ओपन का खिताब। उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो निकोलस मुद्रो है। मिल्खा सिंह किस ओलंपिक मैं चौथे स्थान पर रहे हैं, तो 1960 के रोम ओलंपिक में। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। खीरा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1918 में शुरू हुआ था। आगे देखिएगा, IDBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों हुआ था। रोम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये पूछा गया था, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे, किस में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, तो एसिड बेस मिक्सर में। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद हरियाणा में कौन सा नहर परियोजना संबंधित नहीं है, तो ये भी पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग है, तो 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये आपसे पूछा गया था। कितने भाग है, केवल यही पूछा गया था, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा,
आगे देखिएगा आर्टिकल प्रस्तावना अध्यादेश अनुसूची, तो इसमें हो जाएगा अध्यादेश जो हो जाएगा वो जारी किया जाता है, बाकी सब इससे अलग है, तो अध्यादेश बिल्कुल अलग हो जाएगा, यही आपको बताना था। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण होता है? H5N1 इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है। सिकंदर किस नदी को पार करके भारत आया था? तो सिंधु नदी को पार करके भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। चंद्रयान 2 को कितने में किलोवाट पावर जनरेट करता है? तो करता है तो इसके ऑर्बिटल ये हो जाएगा 50 वाट होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, बट ये मैंने गूगल किया था। ऑर्बिटर का जो वजन है, ऑर्बिटर है ये था, और इसका वजन दिया गया है 2379 किलोग्राम, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो एडविन लैंडसियर लुटियंस ने 1931 में करवाया था। कौन सा योजना आयोग के बारे में बिल्कुल सही नहीं है? तो ये आपसे पूछा गया। भारत रत्न और पद्मश्री कब से शुरू हुआ था? 1954 में शुरू हुआ है। बच्चों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो 300 हड्डियाँ होती है बच्चों में, जो शिशु होते हैं उनमें 300 हड्डियाँ होती है। पहल योजना होगा, पहली नहीं होगा। तो पहल योजना जो है ना एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, जो सब्सिडी दिया जाता है ना उसके लिए है, गैस रसोई गैस में जो सब्सिडी जो दिया जाता है उसके लिए। आगे देखिए, प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद के सबसे प्राचीन वेद है। सफेद विट्रोल क्या है? तो जिंक सल्फेट होता है। राजीव गांधी पुरस्कार विराट कोहली और मीरा चानू को दिया गया, मीरा भाई चानू। 2018 में आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है वो आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 108 है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया कृष्णा रिवर हो जाएगा। भारत का स्वर्णिम काल गुप्त काल को कहा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास थे, सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, और ये सेकंड पेज है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पेज से जितने भी पेज होंगे सभी के आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द करवाते जाएं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।